गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कल हम लोग लेट हो गए थे, आज भी ऐसे लेट हो गए। अभी 10:25 के हम लोग अभी जस्ट उठे, चाय नहीं पिया, ब्रेकफास्ट नहीं किया। अभी पता नहीं बाकी के लोग का है, मैं जस्ट अभी उठा हूँ। शायद ये सुबह सुबह कुछ उनका प्लान होता है तो करते होंगे। ये लोग भी सो रहे हैं। गाइस, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट नाइट ये अभी तक हम लोग स्विमिंग पूल में गए नहीं है, आज जाने का प्लान है। लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तो ये इतना अच्छा टाइम है कि गोवा में क्राउड भी बहुत कम है, तो स्विमिंग पूल में लोग बहुत कम रहेंगे। कहाँ का प्लान है, क्या प्लान है पता नहीं। कल का व्लॉग एडिट में है, एडिटिंग चालू है, आज व्लॉग अपलोड होगा तो ज़रूर देखना। तो मैं तब तक फटाफट ब्रश करता हूँ, शॉवर लेता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके मैं आपको मिलता हूँ। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है मैगी, भुर्जी और ब्रेड। यहाँ पे चाय अच्छा नहीं मिलता है तो हम लोग खुद ही बनाएंगे। सब लोग नीचे गए और मेरा व्लॉग अपलोड हो रहा है। यहाँ का नेट बहुत स्लो है, मुझे भी नीचे जाना है बट नहीं जा पाऊँगा। अगर नीचे जाऊँगा तो मेरा व्लॉग अपलोड नहीं होगा। और आज आफ्टरनून का प्लान है, हम लोग जाने वाले द केप में। द केप जो कि है साउथ गोवा में, और हम लोग हैं नॉर्थ गोवा में कलिंगिट के पास। तो पहले ब्लॉग अपलोड करूँगा, अगर जल्दी हुआ तो मैं नीचे जाऊँगा, शॉवर लेके निकलूँगा द केप के लिए। सब लोग नीचे स्विमिंग पूल में है और मैं ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। यूट्यूब भी नहीं चल रहा है, बहुत नेट स्लो है। देखो ये ओपन ही नहीं हो रहा है, कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं अपलोड करके शेड्यूल करके जाऊँगा, रात को 8 बजे ब्लॉग आएगा, आप ज़रूर देख लेना। सो है गाइस, रेडी टू गो नाउ। 12:30 बज चुके हैं तो हम लोग अभी निकल रहे हैं द केप के लिए। उसके पहले हम लोग जाएंगे एक रेस्टोरेंट में। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि उस रेस्टोरेंट में सी फूड काफ़ी अच्छा मिलता है, तो पहले जाके उस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग द केप के लिए जाएंगे जो कि है साउथ गोवा में। मास्क पहनना बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है। इंडियन नेवी ऐसी लगा भाई। हाँ, तो अभी हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं द केप, क्योंकि साउथ गोवा में एक्चुअली हम लोग का प्लान था फैट फिश में जाने का, बट अभी हम लोग यहाँ पे रुकेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा वेस्ट हो जाएगा, और हम लोग वहाँ पे जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे। तो हम लोग डायरेक्टली अभी जा रहे हैं द केप। बीच में कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट देख के हम लोग खाना खा लेंगे। तो मैंने होटल से मैप लगाया था जो कि मुझे दिखा रहा है 1 hour and 58 minutes 73 kilometers अवे फ्रॉम आवर होटल टू द केप। केप जाने के लिए मुझे 2 घंटा लगने वाला है, तो इसीलिए हम लोग फैट फिश में नहीं गए। फैट फिश में जाते तो वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा जाता था। गोवा में सबसे अच्छी चीज़ है वो नाइट लाइफ है, लेकिन इलेक्शन के चलते और लॉकडाउन के चलते वो नाइट लाइफ भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, क्राउड भी नहीं है। दूसरी चीज़, सब कुछ 10:30 से बंद होना शुरू हो जाता है। तो कल भी हम लोग 10:30-11 के आसपास हम लोग वहाँ से निकले, बिकॉज ऑलमोस्ट मार्केट भी सब कुछ बंद हो रहा था। जय हिंद। इंडियन फ्लैग देख के जो प्राउड फील होता है यार, वो फ्लैग में कुछ अलग ही ताकत है। एक चीज़ है, यहाँ के रोड काफ़ी अच्छे हैं ना, मतलब नॉर्थ गोवा में थोड़े ठीक ठाक रोड है बट साउथ गोवा में काफ़ी अच्छे रोड दिख रहे हैं। जब से मैं आया हूँ ब्रिज क्रॉस करके, तब से रोड एकदम क्लीन है, मतलब एक खड्डा भी नहीं आपको मिलेगा। एक्चुअली कल हम लोग ने बागा बीच से हम लोग ने शर्ट्स लिए, तो इससे गोवा की वाइब थोड़ी और बढ़ गई है ना, और सब लोग ने पहना है। You think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much about you. आज मुझे पहली बार यहाँ पे एक जिम मिल दिखा है, वन लाइफ फिटनेस, मतलब यहाँ के लोग जिम भी करते हैं। तो डीजल भरने का टाइम आ चुका है। एक्चुअली हम लोग HP पे हमेशा डालते, बट यहाँ पे HP मिला नहीं, तो इंडियन पे डालेंगे। तो
तो अपने महाराष्ट्र में डीजल की प्राइस कुछ 93 के समथिंग है और यहाँ पे है 36, मतलब 4-7 रुपये का डिफरेंस है भाई। 7 रुपये का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर ऐसा सब सीन फिल्मों में दिखाई देता है। Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. How can you be trusted? Will you take me for granted? Will you knock me down? I know I'm feeling something for ya. The way you. अब देख सकते हो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। सुबह से 2 एक्सीडेंट देख चुके हैं यहाँ पे भी और वो दोनों भी बाइक के। तो थोड़ा अच्छे से गाड़ी चलाओ यार, मतलब बाइक अच्छे से चलाओ, इतना रश ड्राइविंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले से रोड इतने नैरो है और इतने कर्वी है कि मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप आओगे थोड़ा सा अच्छे से, बी सेफ, अच्छे से ड्राइव करना, अच्छे से राइड करना। गया 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 गया, चलो चलो। डेढ़ से 2 घंटे के ट्रैवलिंग के बाद हम लोग फाइनली केप पहुंच गए। यहाँ से इतना खतरनाक दिख रहा है, समुंदर पूरा सामने दिख रहा है। शायद ये कैमरे में आपको दिखेगा नहीं। सो हम लोग हैं रेड ट्रैप के यहाँ पे। ओह माय गॉड, दिस इज द व्यू। तो बेसिकली हमको वहाँ पे जाना है, तो हम लोग को वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। पहले इस रेस्टोरेंट में कुछ खा लेते हैं। चिकन फूड ऑर्डर किया है। तो अपने को थोड़ा सा आगे जाना है, 1/2 किलोमीटर आगे, वहां से नीचे उतरने के लिए रास्ता है। तो थोड़ा ऊपर से चल चल के नीचे जाना पड़ेगा, एक 10-15 मिनट नीचे चल के जाना पड़ता है, फिर उसके बाद नीचे बीच है। सही है, सही जगह। पहले मुझे लगा कि थोड़ा नॉर्मल बीच होगा, बट थोड़ा उतर के थोड़ा कुछ एडवेंचर लग रहा है। थोड़ा दूर है बट आना वर्थ है। अब देख सकते हो ये जैसे फिल्मों में दिखता है एग्जैक्टली वैसा ही है। 2 घंटा दूर है कलिंगट बीच के यहाँ से, हमारे होटल के यहाँ से, बट सुपर जगह यार, मतलब इतना दूर से आना वर्थ है, वर्थ है। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पक्का गोवा आओगे तो द केप को ज़रूर आना। एक्चुअली है ना, एक्चुअली इधर आना ही चाहिए। बेस्ट प्लेस, बेस्ट प्लेस। सच में इतना अच्छा बीच है यहाँ पे, पब्लिक भी आज ज़्यादा है नहीं बिकॉज संडे भी है। एक्चुअली सैटरडे संडे ज़्यादा पब्लिक होती है बट लॉकडाउन और इलेक्शन की वजह से पब्लिक बहुत कम है।
तो शूट हो चुका है, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हम लोग ने निकाले, वीडियोज़ निकाले रील्स बनाने के लिए, और अभी वापस होटल जाने का प्लान है। आप देख सकते हो सनसेट भी हो चुका है पूरा, आज बहुत मज़ा आया एक्चुअली, थोड़ा थक भी गए लेकिन मज़ा भी आ रहा है। तो अभी वापस होटल जाते हैं, चाय पीना है बिकॉज चाय नहीं पिया है, सुबह एक बार पिया था उसे चाय नहीं पिया है, मुझे दिन में कम से कम 3 से 4 बार चाय लगता है लेकिन आज मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली। साउथ गोवा में ऑलमोस्ट सब शॉप बंद है। हेलो, से हेलो, से हेलो, हाय 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 हाय। चलो, जितना पैसा दिया था उतना वसूल करके जा रहे हैं हम लोग, रात के पहले ट्रैवल कल का एक प्लान, कल का एक दिन है तो कल का दिन फिनिश करके कहीं पे कुछ प्लान करके, कल का भी प्लान ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, सेम, और सेम कल का प्लान अपन ही करेंगे, सागर को नहीं, इवनिंग को फुल एंजॉय करना है, सागर को नहीं बोलेंगे कल का प्लान, अपन खुद का प्लान खुद करेंगे। या बेबे, मैंने लाइफ में एक प्लान किया था कि मुझे फ्रेंड्स के साथ बैंकॉक जाना है, मतलब घूमने के लिए, इन लोगों का गोवा का ही बजट था तो गोवा ही सही, तो हमारा नसीब अच्छा था जो चाय मिल गया। वीडियो के बाद वापस करेंगे। चीयर्स। हे गाइस, वी आर बैक टू होटल एंड कुछ 8:30 बजे के आसपास हम लोग अभी आ गए, और अभी आते ही फटाफट मैंने शॉवर ले लिया। आज इतना मज़ा किया है वहाँ पे बीच पे, हम लोग बहुत सारे रील्स बनाए, हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस शूट किए, हम लोग ने बहुत सारे फोटोज़ निकाले, और खाना भी काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। तब तक चाय पी लेता हूँ और तब तक ये बन जाएगा फिश, फिर उसके बाद देखते। और चाय के लिए थैंक्स टू अभय, अभय ने चाय बनाया आज, पता नहीं कैसे बनाया लेकिन टेस्ट करने के बाद मैं उसका फीडबैक दूंगा। हेलो, तो इसी प्रकार मैंने फिश फ्राई चालू किया। वाओ, बहुत टेस्टी लग रहा है। थैंक यू फिश बनाने के लिए और ड्राइविंग करने के लिए, और थैंक यू चाय बनाने के लिए। तो फिश हम लोग स्टार्टर में खाने वाले हैं, मेन कोर्स हमने बाहर से ऑर्डर किया है, जैसे ही ऑर्डर आता है तो खाना खाएंगे और सो जाएंगे। कल वापस चेकआउट है, चेकआउट करने के बाद 2-3 जगह हम लोग घूमने वाले, उसके बाद बैक टू मुंबई। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट करके बताना आज का ब्लॉग आपको। थैंक यू।